हमें आज के आर्टिकल पे पढ़ना है आण्विक ठोस, और इस बात को भी पढ़ना है कि आण्विक ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आण्विक ठोस को पढ़ना। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है आण्विक ठोस। तो आण्विक ठोस में सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है कि आण्विक ठोस में अवयवीकरण का कार्य कौन करता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो अवयवीकरण है एक दूसरे से किस आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन लिखता हूं कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों का कार्य, जिनमें अवयवी कणों का कार्य छोटे छोटे अणु या कभी कभी परमाणु भी, छोटे छोटे अणु या परमाणु करते हैं। ये अणु या परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़कर एक निश्चित व्यवस्था या निश्चित पैटर्न व्यवस्था बनाते हैं। तो बेटा ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ठोस पदार्थ किन्हीं न किन्हीं छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। जब आण्विक ठोस की बात आई तो आण्विक ठोस जो होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, कभी कभी आण्विक ठोस परमाणु से मिलकर भी बनता है। अभी बात होगी आगे तो मैं बताऊंगा कि अणु या परमाणु से कैसे बनता है। और मैंने बताया कि ये जो अणु या परमाणु होते हैं ये एक दूसरे के साथ निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। एक दूसरे के साथ अगर निश्चित व्यवस्था में जुड़े हैं तो इसका मतलब है इन दोनों के मध्य या इन अणुओं या परमाणुओं के मध्य कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि आण्विक ठोसों के मध्य कौन कौन से प्रकार का आकर्षण बल कार्य कर सकता है। तो मैं उसको नीचे लिखूंगा कि आण्विक ठोसों के मध्य आण्विक ठोसों के अणुओं या परमाणुओं के मध्य वांडरवाल्स बल या आप वांडरवाल्स फोर्स कह सकते हो, वांडरवाल्स आबंध कह सकते हो, या द्विध्रुव आकर्षण बल या हाइड्रोजन आबंध का आकर्षण बल क
कार्य करता है। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखा जाए आणविक ठोस में कि आणविक ठोस में जो अणु या परमाणु होते हैं उनके बीच में तीन प्रकार का फोर्स लग सकता है। कौन कौन से प्रकार का फोर्स लग सकता है? सबसे पहला है कि वैन डर वाल्स फोर्स लग सकता है अणुओं या परमाणुओं के मध्य। दूसरा, अणुओं के मध्य कौन सा वर्क कर सकता है? आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध का आकर्षण बल कार्य करता हो। कुल मिला के मैं क्या चेक करता हूं कि आणविक ठोस में आकर्षण बल कितने प्रकार का है? वह है तीन प्रकार का, क्योंकि आणविक ठोसों में अणुओं के मध्य या अवयवी कणों के मध्य तीन प्रकार का आकर्षण बल कार्य कर सकता है। तो तीन प्रकार के आकर्षण बल कार्य करने के आधार पर अगर मैं अणुओं के मध्य आकर्षण बल के आधार पर चेक करता हूं तो मुझे आणविक ठोस भी तीन प्रकार का मिलता है। पहला आणविक ठोस वो होगा जिनमें अणुओं के मध्य वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा। दूसरा आणविक ठोस वो ठोस होगा जिसमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करेगा। और तीसरे प्रकार का आणविक ठोस वो ठोस होगा जिस पर हाइड्रोजन आबंध का आकर्षण बल कार्य करेगा। तो कुल मिला के मैं क्या समझता हूँ कि जैसे ही अणुओं के मध्य लगने वाले फोर्स का टाइप बदल जाएगा, फोर्स का प्रकार बदल जाएगा, आणविक ठोस भी बदल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए बेटा तो आणविक ठोसों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तीन भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट अगर मैं चेक करता हूं तो पहला था आध्रुवीय ठोस। बेटा जो आध्रुवीय ठोस था, अभी मैं अगर इस बात को चेक करूं कि आध्रुवीय ठोस के अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, तो बेटा आध्रुवीय ठोस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल वैन डर वाल्स बल है, या इसी को एक और नाम से जानते हैं लंदन बल। लंदन बल अगर मैं सेकेंड टाइप पे आ जाता हूं कि दूसरे प्रकार का आणविक ठोस क्या है, तो बेटा दूसरे प्रकार का आणविक ठोस होता है ध्रुवीय ठोस। और बेटा बात आती है कि अगर कोई भी पदार्थ ध्रुवीय ठोस है उसके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होगा, तो बेटा ध्रुवीय ठोस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। इसको ऐसे भी लिखते डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, या मैं हिंदी में लिखे देता हूं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अब बेटा मैं थर्ड टाइप पे आ जाऊं कि तीसरे प्रकार का आणविक ठोस क्या होता है, तो बेटा तीसरे प्रकार का आणविक ठोस होता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस। बेटा आप बात आते हैं कि हाइड्रोजन आबंधित ठोस में जो अणु होंगे उसके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल कौन सा होगा, तो बेटा बड़ा आसान सा नाम ही है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। कौन सा बॉन्ड वर्क करेगा? हाइड्रोजन आबंध वर्क करेगा। और हम फोर्स में लिखेंगे हाइड्रोजन आबंध का आकर्षण बल, तो मैं यहां लिखे देता हूं हाइड्रोजन आबंध का आकर्षण बल। तो बेटा मैं क्या सोच रहा हूं कि आणविक ठोस तीन भागों में इस प्रकार से डिवाइड किए गए, क्योंकि तीनों प्रकार के आणविक ठोस में जो मैंने लिखे हैं फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, इन तीनों प्रकार के आणविक ठोस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल लग रहा है वो तीनों में डिफरेंट है। अगर कभी किसी आणविक ठोस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में अगर लंदन फोर्स अप्लाई हुआ या वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई हुआ, हम उस ठोस पदार्थ को आध्रुवी ठोस की श्रेणी में डाल देंगे। सेकेंड नंबर, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य किया, ध्रुवी ठोस होगा। अगर किसी भी आणविक ठोस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन आबंध का आकर्षण बल कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो बेटा इस प्रकार के ठोस को मैं क्या कहूंगा? हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो बेटा आणविक ठोस हो गया,
आणविक ठोस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है इसको हमने पढ़ा, और इस बात को भी पहचाना कि आणविक ठोस को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। आणविक ठोस को डिवाइड किया गया है अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के हिसाब से। आकर्षण बल, अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा था वो तीन प्रकार का था, इसलिए मैंने ठोस पदार्थ को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया। अब मुझे ये पार्ट पढ़ने की, इन पार्ट को ढंग से पढ़ लेते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है इन पार्ट्स में, या इनके एग्जाम्पल क्या है, गुण क्या है। तो बेटा जल्दी से इसको नोट करो, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे पढ़ते हैं कि इसके गुण क्या क्या हैं। तो बेटा हमें पता थे कि तीन प्रकार के आणविक ठोस होते हैं, तो मैं एक एक प्रकार को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। जैसे मेरे लिए सबसे पहले है अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो बेटा मुझे सबसे पहले बताना होगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस जो है ये किन छोटे छोटे कणों से या किन छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। तो मैं सबसे पहले लिखना स्टार्ट करता हूं, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों का कार्य, जिनमें अवयवी कणों का कार्य अध्रुवीय अणु करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो बेटा मैंने पढ़ लिया है इस बात को कि अगर अध्रुवीय आणविक ठोस की बात हो तो अध्रुवीय आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कणों का कार्य अध्रुवीय अणु करते हैं। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि अध्रुवीय अणु तो करते हैं, साथ में परमाणु भी करते हैं, लेकिन वे परमाणु किसके होने चाहिए? अक्रिय परमाणु होने चाहिए या अक्रिय गैसों के परमाणु होने चाहिए। तो अगर मैं अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करता हूं तो मैं ये जानता हूं कि कोई भी अध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है या तो वो अध्रुवीय अणु से मिलकर बना होगा या वो अक्रिय परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अब मैं बात कर लेता हूं इसके एग्जाम्पल की, कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल को देख लूं तो मैं समझ जाऊंगा आसानी से कि कौन कौन से होते हैं अध्रुवीय अणु। तो मैं एग्जाम्पल की बात अगर करता हूं तो मेरा सबसे पहले एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, वो भी कौन सा हाइड्रोजन? सॉलिड हाइड्रोजन। अब कहोगे सर जी हमारे यहाँ हाइड्रोजन तो गैस फॉर्म में होती है, सॉलिड कैसा? तो बेटा अगर आप हाइड्रोजन गैस के टेम्परेचर को कम करते जाओगे तो टेम्परेचर के कम करने के इफेक्ट में हाइड्रोजन जो गैस होगी एक समय ठंडी होकर धीरे धीरे लिक्विड में बदलेगी, द्रव अवस्था में जाएगी। आप इसको और ठंडा करते रहोगे धीरे धीरे कौन सी स्टेज पर आ जाएगा? सॉलिड स्टेज पर आ जाएगा। तो वो हाइड्रोजन है सॉलिड स्टेज पर आया हुआ। अगर मैं आगे और बात करता हूँ तो Cl2, इसके आगे और बात करता हूँ Br2, इसके बाद और आगे बात होती है तो I2। सर जी आपने तो सारे के सारे अणु लिखे, मैं सॉलिड सबके सामने लिख देता हूं क्योंकि मैं ठोस अवस्था में इन पदार्थों की बात कर रहा हूं। एक आधा परमाणु का भी एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आर्गन या ठोस हीलियम, आप भी और परमाणु लिख सकते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस के ये एग्जाम्पल है। अब सबसे बड़ी बात है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे ये पहचान लेना चाहिए कि अध्रुवीय अणु होता क्या है, आखिर हम कोई किस अणु को अध्रुवीय अणु कह दें। तो बेटा बड़ा आसान सा है, इसको इधर देखते हैं। देखो बेटा अगर मैं हाइड्रोजन गैस के एग्जाम्पल को बताऊं, आप सभी लोग जानते हो कि हाइड्रोजन गैस
का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर फॉर्मूला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा, और वो साझे की जो इलेक्ट्रॉन है, बेटा दिख रहा है पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों साझा करके ही इस बॉन्ड को बना पाए। तो साझा किए हुए जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों हाइड्रोजन के बिल्कुल बीचों बीच, अगर मैं देखता हूं बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे रहते हैं। क्यों मिडिल पॉइंट पे रहते हैं, मैं इसकी भी चर्चा करता हूं। बेटा ये हाइड्रोजन है, वो भी हाइड्रोजन है, हर एक एटम पर बेटा एक विशेष गुण होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड का मतलब जिसने बॉन्ड बना रखा है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर क्षमता इसका। और हर एक एटम में कुछ ना कुछ पावर ऐसी होती है कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। किसी एटम में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर कम, आप कहोगे विद्युत ऋणात्मकता कम है या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है। यदि किसी एटम पर आपको ऐसा समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है, आप कहते हो कि इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है या विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। अभी मैं क्या देखता हूँ कि हाइड्रोजन के अणु में जो परमाणुओं के बीच में वो सिंगल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, बनकर तैयार हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा। और सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, दो। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया। अब क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगी, हाइड्रोजन भी इन इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन अपनी ओर खींचेगा। बेटा इन इलेक्ट्रॉनों को केवल पहला हाइड्रोजन ही तो ही अपनी ओर खींचेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी तो अपनी ओर खींचेगा। अभी सोचो दोनों हाइड्रोजन के एटम है, अगर दोनों हाइड्रोजन एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आपस में कैसी होगी, सेम। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दोनों की सेम होगी, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जितनी ज़्यादा क्षमता से पहला हाइड्रोजन एटम अपनी ओर खींच रहा है, उतनी ही क्षमता से, उतनी ही पावर से इन इलेक्ट्रॉनों को दूसरा हाइड्रोजन एटम खींच रहा होगा। अगर दोनों बराबर पावर से खींच रहे हैं, आप खुद सोचिए हाइड्रोजन के वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी एटम की ओर जाने वाले नहीं, बल्कि हाइड्रोजन के वो जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में ही अपना स्थान बना लेंगे। हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं आध्रुवी अणु। आध्रुवी अणु में जो आबंधित इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होते, दोनों एटम्स के ठीक बीच पर बनते हैं, ठीक बीच पर बने। हम ऐसे मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल बनके तैयार हुआ, इनने सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया, और ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाए गए मॉलिक्यूल को हम ये बताते हैं, कहते हैं कि ये तो आध्रुवीय अणु है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो किसी भी डायरेक्शन पर नहीं हुआ। सेम चीज़ अगर मैं देखूं क्लोरीन के लिए भी होगा, क्लोरीन के लिए भी मैं चेक करूं तो क्लोरीन पे भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि दोनों क्लोरीन के एटम है। आप कुछ समझते हो, दोनों इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दोनों बराबर क्षमता से अपनी ओर खींचेंगे। अगर दोनों बराबर क्षमता से खींचेंगे, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन पर जाने वाले नहीं। तो जब किसी भी डायरेक्शन पर नहीं जाने वाले, तो मैं बताऊंगा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन जो है ये आध्रुवी अणु है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आध्रुवी अणु नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ कि आध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है इसमें अणुओं का व्यवस्था क्या है, अणु किस पैटर्न में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा क्या संरचना, स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक मुझे किसी भी आणविक ठोस का स्ट्रक्चर नहीं पता है, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी। संरचना मैं कैसे तैयार करता हूँ, मैं तैयार करता हूँ देखो ऐसे, मैंने माना मेरे पास हाइड्रोजन के काफ़ी मॉलिक्यूल हैं,
यह हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन सॉलिड का पहला मॉलिक्यूल हो गया। इसके जस्ट बगल में मैंने हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल रख दिया। इसके जस्ट बगल में मैंने हाइड्रोजन का तीसरा मॉलिक्यूल रख दिया। अभी बनाने का तो आप बनाते रहो, लगातार कंटिन्यूस आप ऐसा बना सकते हो। लेकिन बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग अगर बहुत सारे बनाएंगे तो इतना बड़ा तो बोर्ड भी नहीं है, तो केवल हम उसका कुछ पार्ट दिखाते हैं। हाइड्रोजन जो सॉलिड के फॉर्म में है उसकी अरेंजमेंट का कुछ पार्ट केवल दिखाई देते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात मैं बात करूंगा कि हाइड्रोजन का सबसे पहला अणु ये हो गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का सेकेंड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का थर्ड मॉलिक्यूल, अभी आगे हाइड्रोजन का फोर्थ मॉलिक्यूल होगा, फिफ्थ सिक्स, ये लगातार मॉलिक्यूल से एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े होंगे। और ऐसा नहीं कि सामने जुड़े हैं, नीचे भी ऐसे जुड़े होंगे, ऊपर भी जुड़े होंगे, चारों डायरेक्शन में ऐसे ही जुड़े होंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे से। तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स के बीच में देखता क्या हूं बेटा। अब बात आती है कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा आकर्षण बल है। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं तो इस आकर्षण बल को कहते हैं सहसंयोजक आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझे के कारण दो एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड बनता है, हम उस बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक बंध। और ये सहसंयोजक बंध कितने थे, तीन प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मैं ज्यादा उधर इंफॉर्मेशन नहीं ले जाऊंगा, मैं बस इतनी बात बताऊंगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जिसे सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। यहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम के बीच में सहसंयोजक बॉन्ड, यहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के एटम के बीच सहसंयोजक बॉन्ड। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले जब डेफिनेशन लिख रहा था तो मैंने क्या बताया था कि अवयवी परमाणुकणों के बीच एक फोर्स लगता है जिसमें जिसे हम लोग लंदन फोर्स या के नाम से जानते हैं या वांडरवाल्स फोर्स के नाम से जानते हैं। अभी मैंने जब यहां तीन प्रकार के आणविक ठोस लिखे थे, मैंने लिखा था कि जो अध्रुवी अणु होता है इसके अणुओं के मध्य वांडरवाल्स फोर्स या लंदन फोर्स लगता है। तो मैं चेक करता हूं कि कौन कौन सा फोर्स इस पे लगता है। तो बेटा सबसे पहली बात, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है या कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सहसंयोजक बंध। मैं सबसे पहले लिखता हूं, परमाणुओं के मध्य कौन सा फोर्स वर्क करता है, परमाणुओं के मध्य कौन सा फोर्स अप्लाई है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक आबंध भी लिख सकते हो आप इसको। तो अगर कोई पूछे सहसंयोजक बॉन्ड कौन सा है बेटा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अभी मैं अगर आगे बात करूं कि ये हाइड्रोजन का एक अणु हो गया, ये दूसरा अणु हो गया, ये तीसरा अणु होगा, हाइड्रोजन के अणुओं के बीच तो एक आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा भाई। अगर ये सारे के सारे हाइड्रोजन के अणु ठोस रूप में है तो उसका रीजन क्या है कि ये सारे के सारे अणु एक दूसरे से साथ डिफिनिट पैटर्न में बंधे हैं, एक निश्चित पैटर्न में बंधे हैं। अगर ये सारे के सारे अणु एक निश्चित पैटर्न में एक दूसरे के साथ बंधे हैं तो ये पक्का है कि निश्चित पैटर्न में तभी बन पाएंगे जब इन अणुओं के मध्य भी एक आकर्षण बल कार्य करेगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल और इसके बीच में एक देखो वीक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस वीक अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं वांडरवाल्स बंध। तो बेटा मैं चेक करता हूं, ये पहला अणु, ये दूसरा अणु और दो अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, वांडरवाल्स फोर्स। तो अभी मैंने लिखा था परमाणुओं के मध्य एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड कार्य करता है, सहसंयोजक बंध। लेकिन ये मॉलिक्यूल फर्स्ट, ये सेकेंड मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में जो ये आकर्षण बल अप्लाई हो रहा है इस आकर्षण बल को कहते हैं वांडरवाल्स फोर्स। तो मैं एक और इंफॉर्मेशन लिखता हूं कि अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, अणुओं के मध्य वांडरवाल्स बंध। बेटा एक और चीज है, वांडरवाल्स फोर्स जो होता है या वांडरवाल्स बल होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से जो अध्रुवी अणुओं के मध्य लग रहा है इसे हम लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं या लंदन बल के नाम से जानते हैं। तो वांडरवाल्स फोर्स वर्क करता है किनके मध्य, अणुओं के मध्य, जिसे हम लंदन फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि वांडरवाल्स फोर्स कई प्रकार का है जो अध्रुवी अणुओं के मध्य लग रहा है इस समय,
मैं उसको लंदन फोर्स के नाम जानता हूँ। एक और चीज़, परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड बल वर्क कर रहा है या कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? सहसंयोजक बंध, ये एक दूसरे के साथ निश्चित पैटर्न में बंधे हुए हैं। तो ये तो किसी अणु के लिए हो गया। अभी मैंने लिखा था अध्रुवीय अणु तो वर्क करते ही हैं, जुड़े ही होते हैं एक दूसरे से। कभी कभी कौन सा जुड़ा होता है? परमाणवी कण, परमाणु भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये तो संरचना हो गई किसी अणु के लिए। अब मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा किसी परमाणु के लिए, लेकिन मैं इसको लिखे देता हूं। ये वाला जो बॉन्ड था, ये कौन सा बॉन्ड था? सह संयोजक आबंध। और बेटा ये कौन सा फोर्स था? या तो आप वांडरवाल्स फोर्स कह सकते हो, या आप इसको लंदन फोर्स कह सकते हो। तो दो प्रकार के फोर्स अप्लाई होते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल जो या एक संरचना मैंने लिखी मॉलिक्यूल्स के लिए। अभी मैं एक संरचना लिखना चाहता हूं एटम्स के लिए, कि अगर हीलियम के एटम्स के लिए या आर्गन के एटम्स के लिए मुझे यही स्ट्रक्चर दिखाना होगा, मैं कैसे दिखाऊंगा? तो मैं जल्दी से एक और स्ट्रक्चर को लिखे देता हूं इधर नीचे की ओर, मुझे हीलियम का बनाना है। तो बेटा ये हीलियम का फर्स्ट एटम हो गया, हीलियम का ये एटम हो गया, हीलियम का एक एटम ये हो गया, और लगातार एटम एक दूसरे से जुड़ेंगे। कैसे? इन एटम्स के बीच में एक वीक फोर्स वर्क करेगा। नीचे भी हीलियम होगा, इसमें भी वो वीक फोर्स लगेगा, ऊपर भी हीलियम होगा उसमें भी वीक फोर्स लगेगा। ये पूरा एक जाल जैसा बना लेंगे हीलियम एटम एक दूसरे से मिलकर। और जब एक दूसरे से जाल जैसा बना लेंगे तो ये जो आकर्षण बल होगा, ये आकर्षण बल आप वान डर वाल्स फोर्स के नाम से जान चुके हैं। तो मैं परमाणुओं के बीच में क्या सोचता हूँ, आज किसी अक्रिय परमाणु के ठोस के लिए देखा जाए, ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सबसे पहली बात अगर मैं देखूं, इसमें अणु तो कोई है ही नहीं, तो मैं अणुओं के मध्य कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल बने, इसका मतलब एटम है। तो इसमें एटम्स के बीच केवल एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को हम या तो वान डर वाल्स फोर्स कह सकते हैं या लंदन फोर्स कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ये हीलियम के एटम्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वर्क कैसे करता है? तो बेटा जल्दी से इस चीज को इधर देखते हैं, आखिर इन दोनों परमाणुओं के बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये वर्क क्यों कर रहा है? तो इस चीज को यहां देखते हैं बेटा। आप सभी जानते हो कोई भी जब एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस मिड पॉइंट पे होता है, बीचों बीच होता है। मैंने दूसरा एक हीलियम का ये एटम बना लिया, एक मैंने हीलियम का यहां एटम बनाया जिसका न्यूक्लियस बीचों बीच है। और क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने पॉजिटिव चार्ज को बनाया न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन एटम पर सभी चारों ओर न्यूक्लियस को छोड़कर चारों ओर फैला रहता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जब ये दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, तकरीबन कितनी डिस्टेंस पर अगर मैं देखूं, तकरीबन अगर देखा जाए 500 पिकोमीटर की डिस्टेंस पर, तो 500 पिकोमीटर की डिस्टेंस पर, क्योंकि इसमें भी चार्ज पार्टिकल है और उस एटम में भी चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की व्यवस्था को थोड़ा सा बिगाड़ते हैं। कैसा बिगाड़ते हैं? कि अब एटम का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, धनावेशित नाभिक है, ये धनावेशित नाभिक एक तरफ ले जाते हैं। अगर एटम का धनावेशित नाभिक एक ओर आ गया, तो एटम पर जो ऋणावेश है वो कहां चला जाता है? दूसरी ओर। एटम का धनावेशित नाभिक एक ओर आ गया, ऋणावेशित चार्ज इतना भी है वो सारा का सारा चला गया दूसरी ओर। अब जब इस पोजीशन पर आ गया एटम, अब देखो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज के पास है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही छोटे समय के लिए होगा। अब मैं क्या बताऊं, एक सेकंड में तो 100 बार ये अट्रैक्शन फोर्स लग सकता होगा। ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, ये बहुत ही कमजोर भी होता है, और इस कमजोर अट्रैक्शन फोर्स को हम कौन से नाम से जानते हैं? लंदन बल के नाम से जानते हैं। हीलियम और हीलियम के एटम के बीच यही वाला आकर्षण बल वर्क कर रहा है। बेटा एक और सिचुएशन आ सकती है कि जरूरी नहीं कि पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है वो लेफ्ट साइड पे आए। कभी कभी ऐसा होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस राइट साइड पे चला जाता है,
दूसरे का भी एटम का यही होगा, इसका भी न्यूक्लियस राइट साइड पे चला गया और लेफ्ट साइड पे हो गया उसका निगेटिव चार्ज। अभी देखो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में यहाँ भी तो वीक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ये वीक फोर्स भी कहलाता है लंदन बल। और लंदन बल वर्क कब करता है, जब दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है 500 पिकोमीटर। 500 पिकोमीटर से अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे एटम्स को आपने रख दिया है उनके बीच में लंदन फोर्स वर्क करने वाला नहीं है। लंदन फोर्स को वर्क करने के लिए आपको उन दोनों एटम्स को 500 पिकोमीटर से नज़दीक डिस्टेंस पे लाना पड़ेगा। और जैसे नज़दीक डिस्टेंस पे लाओगे ये न्यूक्लियस की पोजीशन को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, और जैसे न्यूक्लियस की डिस्टेंस को न्यूक्लियस की पोजीशन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे अब आपका एटम भी हल्का सा चार्ज होने लगा है। चार्ज क्या होने लगा है, टोटल एटम तो डिस्चार्ज ही रहेगा लेकिन उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ गया है। और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बिगड़ जाने से बेटा दोनों के मध्य में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, और जो वो अट्रैक्शन फोर्स लगा है उसी फोर्स को हम कौन सा बल कहते हैं, लंदन बल। अब ये वीक क्यों है बेटा, वीक इसलिए भी है कि एक ही एटम के अंदर चार्ज एटम से बाहर नहीं गया है, चार्ज एटम के अंदर ही रहा है। और अब चार्ज एटम के अंदर ही रहेगा तो ना तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो पाता है ना ज़्यादा निगेटिव चार्ज क्रिएट हो पाता है। जब चार्ज कम क्रिएट हो पाता है तो अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा रहता है, कम। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोग जब भी किसी एटम को बनाते हैं ऐसा बनाते हैं जबकि एटम पर वास्तविक संरचनाएं इस प्रकार की होती हैं। लेकिन बेटा अभी सोचो अगर एटम अभी इस प्रकार का है, एक सेकेंड के अंदर 100 बार इस टाइप का एटम होगा, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव न्यूक्लियस जाएगा और अगले से उसी सेकेंड में 100 बार तकरीबन राइट साइड पे पॉजिटिव न्यूक्लियस चला जाएगा। अर्थात ये न्यूक्लियस जल्दी जल्दी से इसमें वाइब्रेट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, बहुत तेज़ी से जब वाइब्रेट करता है तो हम इसकी पोजीशन किसकी ओर बनाएं, लेफ्ट साइड वाली बनाएं कि राइट साइड वाली बनाएं, तो हम पोजीशन कहाँ बनाते हैं, बीच में। लेकिन फोर्स क्यों लगता है, न्यूक्लियस के डिस्ट्रैक्ट हो जाने पर। तो ये लंदन फोर्स अप्लाई होता है एटम्स के बीच में, तो ये भी हीलियम का न्यूक्लियस वाइब्रेट कर रहा होगा, यहाँ भी हीलियम का न्यूक्लियस वाइब्रेट करेगा। उस वाइब्रेशन के दौरान दोनों के बीच में एक छोटा सा छीण दुर्बल आकर्षण बल कार्य करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, लंदन बल। अभी मैं क्या सोचता हूँ कि लंदन बल के विषय में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तो बेटा जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करते हैं और लंदन बल के विषय में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, सबसे पहले लंदन बल से पढ़ ले, मुझे पढ़ लेना चाहिए वांडर वाल या वांडर वाल्स बल, दोनों सेम चीजें। वांडर वाल्स बल जिनके रिस्पेक्ट में वांडर वाल्स बल का नाम दिया गया है उनका नाम था जोहानन वांडर वाल। उन साइंटिस्ट का नाम था जोहानन वांडरवाल। अभी मैं चेक करूं, मैंने कहा था वांडरवाल्स कई फोर्स जो होता है वो कई टाइप का होता है, उनमें से जो मुझे वांडरवाल्स फोर्स पढ़ना है, वांडरवाल्स फोर्स का वो टाइप जो है उसे कहते हैं लंदन बल। लंदन बल, और इसको किसने खोजा था या ये किसके नाम पर दिया गया है, फ्रिज लंदन। ये साइंटिस्ट क्या नाम है, लंदन बल, फ्रिज लंदन नाम के साइंटिस्ट के ऊपर दिया गया है। दूसरी खासियत, लंदन बल को वर्क कब करता है, तो मैं इसको चेक करता हूं, जब अणुओं या परमाणुओं के बीच की दूरी पांच सौ पिकोमीटर या इससे कम हो जाती है
तब लंदन बल वर्क करना स्टार्ट करता है, या लंदन फोर्स कब अप्लाई होता है, जब दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस, मैं बता देता हूँ, मेरा पहला एटम ए है, मेरा दूसरा एटम भी ए है, इन दोनों की कोई बीच की डिस्टेंस होगी। अगर मैं उस बीच की डिस्टेंस को आर मान लूँ कि दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस आर है, तो ये जब आर की वैल्यू 500 पिकोमीटर के या तो इक्वल हो तो लंदन बल वर्क करेगा, और लंदन बल दूसरी पोजीशन पर तब वर्क करेगा जब इन दोनों एटम्स के बीच की दूरी 500 पिकोमीटर से भी कम हो। और एक सबसे खासियत बात जो होती है, लंदन बल इस दूरी के साथ घटता या बढ़ता है, मुझे ऐसा पता था। क्यों? क्योंकि 500 पिकोमीटर से अगर दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वर्क ही नहीं करेगा, और 500 पिकोमीटर से जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, लंदन फोर्स जो होगा वो और भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो मैं चेक कर लूँ कि लंदन फोर्स जो होता है ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस हिसाब से चेंज होता है। तो मैं बेटा यहाँ लिखे देता हूँ, जो लंदन बल होता है, लंदन बल ये डिस्टेंस के हिसाब से r^6 पर चेंज होता है, r^6 पर डिपेंड करता है। r^6 का मतलब समझते हो, अगर डिस्टेंस जरा से भी चेंज कर दिया आपने, अगर डिस्टेंस को चेंज कर दिया जरा से भी आपने, तो ये डिस्टेंस को बढ़ा देने पर लंदन फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये घटाव जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, r^6। अभी सोचते हो आप इस चीज को, अगर मैं जनरली अगर बात करूं कि मैं दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को दोगुना बढ़ा देता हूं, तो जो दोगुना बढ़ाने पर बात आएगी, दोगुना बढ़ा देने पर लंदन फोर्स की अमाउंट में क्या चेंज आएगा? तो बेटा डिस्टेंस को मैंने दोगुना बढ़ा दिया तो लंदन फोर्स के अमाउंट में क्या चेंज आएगा? तो 2^6 की वैल्यू निकालेंगे, लंदन बल जो होगा वो 1/64 गुना कम हो जाएगा। अर्थात डिस्टेंस में तो आपने थोड़ा सा ही चेंज किया, लेकिन जो फोर्स था वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो लंदन बल जो है डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी लंदन फोर्स उतनी ही तेजी से प्रभावी हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस के जरा से ही बढ़ने पर लंदन फोर्स बहुत तेजी से घटने भी लगता है। एक और चीज मैं जानता हूं, लंदन फोर्स जो होता है या लंदन बल जो होता है ये काफी वीक होता है, लंदन बल काफी वीक होता है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा था हाइड्रोजन का, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो। मैंने एक और बनाया था एच सिंगल बॉन्ड एच, और इसके बीच में ये लंदन फोर्स वर्क कर रहा था। अगर लंदन फोर्स वीक होगा, तो वीक होने में होता है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है और आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देना स्टार्ट किया, कैसे, उसे गर्म करते हुए। जैसे ही थोड़ा सा गर्म करोगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और क्योंकि बॉन्ड वीक है ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड टूट गया तो हमारा ठोस पदार्थ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो क्योंकि लंदन फोर्स अप्लाई होता है काफ़ी वीक होता है, लंदन फोर्स के वीक होने के कारण जो अध्रुवी ठोस होते हैं इनका जो गलनांक होता है, गलनांक कम होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका क्वथनांक भी कम होता है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला लंदन फोर्स होता है, वंडर वाल्स फोर्स होता है, ये काफ़ी वीक होता है। आप जैसे ही थोड़ा सा गर्म करते हो ये फोर्स या ये आकर्षण बल जल्दी से ही टूट जाता है एनर्जी पाकर, और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो गया बेटा मॉलिक्यूल्स पिघल गए, या मैं कहने के लिए ठोस हाइड्रोजन जो है वो अब पिघलना स्टार्ट हो गया है। पिघलने में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जब तक छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, या प्लास्टिक है, इसके सभी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में बहुत तेजी से बने हैं। मैं इसको हीट करूंगा, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पिघलने लगेगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो पिघलने लगेगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा नहीं पिघलेगा, क्योंकि लंदन फोर्स काफ़ी वीक होता है, और ये थोड़ा सा ही जैसे मैंने टेम्परेचर दिया ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और जो हमारा सॉलिड था वो पिघल गया। तो अगर कोई हमसे बेटा ये भी पूछता है कि अध्रुवी आण्विक ठोस जो होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्यों, तो बेटा मैं उसका
रीजन बताऊंगा, क्योंकि अध्रुवीय आणविक ठोसों में अणुओं या परमाणुओं के मध्य लगने वाला या कार्य करने वाला लंदन बल काफ़ी वीक होता है, और क्योंकि ये लंदन बल वीक होता है टेम्परेचर के थोड़े ही इफेक्ट में ये लंदन बल टूट जाता है, और यही रीजन है कि इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है कम। और आप इस बात को भी जानते हो कि जिस भी सब्सटेंस का क्वथनांक कम होगा वो सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाएगा। तो मैं एक और नंबर लिख देता हूँ, तेज वाष्पीकरण। कि आण्विक ठोस जो होते हैं या अध्रुवीय आण्विक ठोसों का जो वाष्पीकरण होता है ये कैसा होता है, तो मैं बताऊंगा। ड्यू टू वीक फोर्स लंदन फोर्स मैं अगर चेक करूं तो बेटा ये जल्दी से ही शीघ्रता से ही वाष्पित हो जाता है। भाई क्वथनांक कम होने का मतलब क्या है, जल्दी से ही वाष्पित होने लगा, और जब जल्दी से वाष्पित होने लगा तो ये वाष्प कैसे बना के तैयार करेगा ज़्यादा, तो इसका वाष्पीकरण कैसा होता है तेज। एक बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं इसी पर अगर चेक करूं तो बेटा क्या आण्विक ठोसों पर विद्युत धारा का चलन किया जा सकता है। बेटा किसी भी पदार्थ पर विद्युत धारा का चलन दो अवस्थाओं पर किया जा सकता है, या तो उस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो या तो कोई वो फ्री आयन का निर्माण करे। आप खुद देखिए, ना तो इन मॉलिक्यूल्स से मुझे अभी तक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है, ना इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच मुझे कोई फ्री आयन मिला है, तो ना मॉलिक्यूल फ्री मिला और ना फ्री आयन मिला, सॉरी ना फ्री इलेक्ट्रॉन मिला ना फ्री आयन मिला, तो ये विद्युत धारा का चलन करने में समर्थ नहीं है। तो मैं यह लिखूंगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। तो यह आण्विक ठोसों के बीच में रखी जितनी भी जानकारी बेटा थी मैंने आपको दे दी है, आप आण्विक ठोस की जानकारी को ढंग से प्राप्त कर लीजिए, और इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि लंदन फोर्स कब अप्लाई होता है या लंदन फोर्स होता क्या है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए कि क्या ये लंदन फोर्स है, हाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स लंदन फोर्स है, जबकि एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स मैंने बताया सहसंयोजकाबंध है। तो मेरा जो दूसरा टॉपिक रहेगा ये रहेगा ध्रुवीय आण्विक ठोस, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पे पूरा करूंगा। आज के लेक्चर पर मैं इतनी चीज़ों को रखता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लीजिए जिससे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।